मोहतमद मस्जिद नादी अली बोधन ने आज नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि मस्जिद नादी अली की वक्फ आराजी पर मस्जिद कमेटी का कब्जा है और मस्जिद कमेटी की जानिब से इस आराजी को काश्त पर दिया जाता है, लेकिन आराजी से मुतसिल राइस मिल मालिक पदी रेड्डी इस आराजी पर कब्जे की नीयत से इस आराजी का अपनी मिल्कियत बताते हुए अवाम और कोर्ट दोनों को ही गुमराह कर रहा है। इन्होंने बताया कि इस खसूस में वो वक्फ बोर्ड से भी रुजू हो चुके हैं और पुलिस स्टेशन में पदी रेड्डी के खिलाफ भी एक शिकायत दर्ज करवाई गई। से इतला दे रहा हूं कि पदी रेड्डी जो हमारी जमीन नादिली मस्जिद की 665123 उनके राइस मिल के सामने है, हम लोग ऑलरेडी इसको काश को दे रहे, अभी भी काश चल रही है उसके ऊपर। हम रहने की सूरत में आ रहे, इनक्रोच होके कुछ तो भी करके फोटो लेके ये पेश ये जाहिर करना चाह रहे कि मैं काश करूँ। हम लोग गए तक जो सो चल जा रहे, ऐसा इसके बदलमान में हम लोग 3 से 4 मरतबा पुलिस स्टेशन में जो हो सो इनकी शिकायत करे, हमारे पोल चोरी करे, हमारे झोपड़ी डाले थे झोपड़ी के पूरे पोल रात के टाइम पे निकाल ले रहे, हमको हमेशा टॉर्चर दे रहे। हम उसके ऊपर FIR करे, FIR कॉपी भी हमारे पास मौजूद है 2-4 दिनों का FIR करके, और जो सर इनकी नीयत हमारी नादिली मस्जिद की दाल लेने के चक्कर में, हालांकि उन्होंने दावा कर रहे कि नादिली मस्जिद में 1 पैसे का हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, ऑलरेडी हमारे गजट से लेके आज तक हमारे पास वक्फ फंड बन रहे सो, और जो सो ORC में ये सर्वे नंबर हमको काश के लिए दिया गया वो सर्वे नंबर भी दर्ज है, और ऑलरेडी जो सो हमारे पास हर डॉक्यूमेंट के साथ हम नादिली मस्जिद के काश कर रहे।